ये तो आभासी है लेकिन हमला करता है। गुरु द्रोण, मैं स्वामी एकांतानंद हूँ। अब तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा। जी स्वामी एकांतानंद, आप जो आदेश दोगे मैं वही करूंगा। तो ठीक है, जाओ अपने छात्रों को बोलो तुम्हारा आश्रम छोड़कर पहाड़ी में आश्रम में प्रवेश कर ले और आगे की शिक्षा वहीं प्राप्त करें। और तुम भी आश्रम छोड़कर हमारे आश्रम में हमारी सेवा करने आ जाओ। जो आज्ञा स्वामी एकांतानंद। सुनो, तुम लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना है। तुम लोग अपना अपना सामान बांध लो और पहाड़ी के ऊपर स्वामी एकांतानंद का जो आश्रम है वहाँ जाकर आज से शिक्षा लो। मैं भी वहाँ आकर उनकी सेवा करूँगा। हाँ? ये क्या हो गया गुरुवर, ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? जो आदेश दिया है वही करो, गुरु का आदेश नहीं मानोगे। चलो चलो अपना अपना सामान बांधो। भ्राता दुर्योधन, स्वामी एकांतानंद ने अवश्य गुरुवर पर कोई सम्मोहन किया है। पहले हम वहाँ जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आप कुछ समय पश्चात उन्हें लेकर वहाँ आइए। हम हस्तिनापुर युवराज हैं। तुम हमें आदेश नहीं दे सकते। ये आदेश नहीं, प्रार्थना है युवराज। हाँ, तो हम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। आओ आओ। प्रणाम गुरुवर। पर सिर्फ 5 छात्र? जी गुरुवर, हम 5 पांडव भाई हैं। गुरु द्रोण का आदेश है कि पहले हम पांडव प्रवेश लें। हाँ, क्यों नहीं, भोजन का समय हो गया है, पहले जलपान ग्रहण करो, हम तुमसे भोजन के उपरांत मिलते हैं। जाओ पहले उन 5 पांडवों को खिला दो। आओ बालको, पहले तुम लोग भोजन कर लो। है राताश्री, यहाँ स्वामी एकांतानंद की कोई ना कोई तंत्र मंत्र की पुस्तक होगी, उसे ढूंढना होगा, तभी हम गुरु द्रोणाचार्य के सम्मोहन को ठीक कर सकते हैं। तुम सही कह रहे हो नकुल। चलो पहले भोजन कर लें। रुक जाइए भ्राता भीम, इस भोजन में भी कुछ मिला हो सकता है। स्वामी एकांतानंद पर विश्वास नहीं कर सकते। नकुल, वो जो बंदर पेड़ के नीचे बैठा है उसे खिला कर देखो, तो शायद कुछ पता चले। जाओ। ये लो मित्र। उसने तुम्हें मारा क्यों? उस भोजन में कुछ मिला है जिससे शायद सम्मोहित हो जाते हैं। देखो, वो 3 बंदर झाड़ू लगाते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने ये वाला भोजन खाया था, तब से यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं। उसने आके छात्रों को भी सम्मोहित करके अपने पास रखा है। एक ही थप्पड़ में नकुल को बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया। तो हमने भोजन कर लिया है और हम सम्मोहित हो गए हैं, ऐसा नाटक करो, उसके पश्चात देखते हैं कि वो क्या करते हैं। अब तुम लोगों ने भोजन कर लिया है तो सुनो तुम लोगों को क्या करना है। भीम, तुम छात्रों के भोजन के बर्तन साफ करोगे, बाकी सब मेरी सेवा करने आओ। जो आज्ञा गुरुवर। अरे मेरा भोजन, मेरा भोजन। गुरुवर का आदेश है जल्दी से बर्तन साफ करने का,
तो भोजन के बर्तन साफ कर रहा हूँ। नकुल, सहदेव, जल्दी जल्दी मंत्र की पुस्तक ढूंढो। हाँ? चलिए, जो चाहिए था मिल गया। अब क्या करूं? स्वामी जी, स्वामी जी, वो पांडव छात्र की पुस्तक लेकर भागे जा रहे हैं। छल, उन्होंने मेरे साथ छल किया। वो सम्मोहित नहीं हुए थे, उन्होंने सम्मोहित होने का नाटक किया था। पकड़ो उन्हें। मेरे आश्रम से बचकर कहां जाओगे? अरे ये तीर तो नकली है, मायावी तीर है। उठिए और भागिए। ले आओ, ले आओ उन्हें। मेरे साथ छल कपट किया, ऐसा दंड दूंगा कि जीवन पर्यंत नहीं भूलेंगे। ले आओ। तुम लोगों ने स्वामी एकांतानंद के आश्रम में प्रवेश ले लिया? अरे ये सब क्या हो रहा है गुरुवर? हुआ यू कि अरे नहीं, वो बालक नकुल मेरे मंत्रों की पुस्तक से मंत्र पढ़ के द्रोणाचार्य का सम्मोहन दूर कर रहा है। नहीं, ये पांडव बहुत चतुर है, इस बार नकली नहीं असली हथियार आएंगे। उनके मायावी हथियार फिर से आ रहे हैं। सतर्क हो जाइए, इस बार असली हथियार आ रहे हैं। देखिए, उनमें सूरज की किरणें चमक रही हैं। उन छात्रों को भी एकांतानंद के सम्मोहन से निकालना होगा। है कि इसे भ्राता अर्जुन, आप इसे छात्रों के ऊपर ही तीर से भेज दीजिएगा। ओमीन प्रेम चामुंडा है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें यहाँ कौन लाया? Oh.
को फिर कभी देख लूंगा। अभी जाता हूँ, लेकिन बदला लेने आऊंगा। तुम लोगों पे मुझे बहुत गर्व है यशस्वी बाबा। चलो अब उन छात्रों को उनके घर पहुंचाना है।